नमस्कार, मैं मंजू शर्मा पिलानी से। मैं YouTube देख करके सर बजरंग जी से बहुत ज्यादा मतलब प्रेरित हुई, और चूंकि ये पिलानी आए तो मैंने सोचा कि मैंने यहीं पर इनसे बात करके और सीखती हूँ कुछ। तो मैं योगा मतलब बहुत दिनों से कर रही हूँ और मैं ठीक भी हो रही हूँ धीरे धीरे, पर इनका YouTube मैंने देखा तो मैंने देखा बहुत ही इनका जो सिखाने का तरीका है और सब बहुत ही अच्छा लगा। घुटनों के अभ्यास बता दीजिए, क्या आप कैसे कैसे करते हैं? बहन जी इतनी हिम्मत वाली है, लगता नहीं इनको देख के कोई बीमार है, बीमारी इनके है नहीं। डॉक्टर भी कहता है कि आप तो बीमार है ही नहीं। मन से स्ट्रोंग है, इनकी विल पावर मजबूत है, हिम्मत वाली है। मैं आप सभी को कहता हूँ कि बीमारियां बहुत हैं, हर इंसान के अंदर बीमारियां हैं। आप मजबूत रहोगे तो बीमारियां आपके आसपास भी नहीं आएंगी, और छोटे मोटी आएंगी तो हम योग के माध्यम से उसको दूर कर देंगे। तो शुरुआत हम ऐसे करेंगे, ये कर रहे हैं, ये गिन के 20 बार या 10 बार हम कर सकते हैं। अगला पैरों को मिला के गोल गोल घुमा देंगे। ये प्रेरणादायक है बहन जी, तभी तो मैं कहता हूँ कि हिम्मत मत हारना। जिस दिन आप हिम्मत हार गए उस दिन आप बीमारी से हार जाएंगे, और हिम्मत आपके अंदर है तो आप बीमारी को हरा दोगे। और सीढ़ियां चढ़ के आइए ऊपर, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं आराम से। अब देखो कैसे कैसे घुटनों में दर्द था, योगा करके इन्होंने कैसा ठीक कर लिया। अभी सारे आसन कर करके बता रहे हैं हमें कि ऐसे ऐसा आसन हमें रोजाना करते हैं, ज्यादा करते हैं तो हमें दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। ये चाहे एक पैर में दर्द हो या दोनों में, आपको करना है दोनों पैरों से, ताकि भविष्य में दूसरे पैर में गड़बड़ ना हो। और क्या क्या करते हो? इनकी कमर में भी है तो कमर के ऊपर के दिखा दीजिए, कमर के लिए क्या क्या करते हो? ये मोटापा कम करने के लिए भी है। अगर ये अभ्यास करोगे तो आपकी टोन बड़ी हुई ना, पेट बड़ा हुआ वो भी कम होगा, और आपकी कमर मजबूत बनेगी, स्पाइन आपकी मजबूत होगी। एक पैर उठा लीजिए और 10 सेकंड का होल्ड कीजिए, ये आपकी कमर के लिए लाभकारी है। अधिकतर पेशेंट ऐसे होते हैं घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, तो सभी के लिए है ये। आपके घुटनों का पहले करके दिखा दिया, अभी कमर के करके दिखा रहे हैं बहन जी। ये अब ये एक आसन है जो घुटनों के लिए भी है और कमर के लिए भी है, आप इस जरूर कीजिए इस आसन को, घुटनों में भी लाभकारी और कमर में भी लाभकारी। जब भी मौका मिले, जब भी मैं कह रहा हूं मौका मिले तो योग करना ना छोड़े, सुबह और शाम डेली योग कीजिए। अब देखो कैसे कैसे अभ्यास कर लेते हैं, और मैं आपको ठीक कर लिया। और इनकी उम्र 67 साल यानी कि 67। मैंने पूछा आपकी उम्र 50 साल है? नहीं नहीं, मैंने कहा बहन जी मैं तो 67 की हूँ, मगर लगते आप ऐसे हैं कि आप 50 साल के हैं। तो ये योगा का कमाल है, जितना योगा करोगे उतने खुरतले बनोगे, ऊर्जावान बनोगे। ये साइटिका के लिए, क्योंकि कमर में दर्द होगा तो साइटिका भी आएगी आपको, आज नहीं तो कल आएगी, तो आप कमर दर्द को वहीं पे रोक दीजिए। बस हिम्मत मत हारना, ये मत सोचना कि मैं तो इतने 60+ हो गए मैं कैसे योगा करूंगा। मैंने पहले भी बताया कि 75-75 साल के लोग ठीक हो रहे हैं, ये कमर के लिए। एक बात ध्यान रखना, कोई भी आसन आप कर रहे हैं अगर उसमें करने से दर्द होता है तो उस आसन को छोड़ देना, ये विशेष बात ध्यान रखना। जो आसन कर रहे हैं आप अच्छी बात है, फायदा मिलेगा, बस दर्द होता है तब छोड़ देना, नहीं नुकसान हो जाएगा। ये मैं बाहर मेरे वीडियो में बताता हूँ। ये पवन मुक्त आसन कमर के लिए भी, घुटनों के लिए भी, और पेट में गैस बनती है, आपका पाचन खराब है, पेट में गैस अधिक बनी हुई है, तो आप पवन मुक्त आसन कीजिए, कमर के दर्द में लाभकारी है। एक एक पैर के करने के बाद दो दो पैर से भी, एक पैर से आप 10 बार कीजिए, 20 बार कीजिए, ऐसे ही दोनों पैरों से 10 बार या 20 बार कीजिए। अब पेट के बल लेट के आई मरकट आसन और रहेगा, ये भी ये पेट के लिए भी अच्छा है और पीठ के लिए भी, बस करना है आराम आराम से जैसे बहन जी करके दिखा रही है।
इतना ही आपको मजबूत बनना है। दो दो बार करके दिखा दीजिए। इसके तीन भाग है मार्केट आसन के। अब पैर को खोल लेंगे, एक फीट का फासला था दोनों पैरों में। हाँ, ये अब कीजिए और जितना होता हो उतना कीजिए, अधिक नहीं करना है। वेरी गुड। अब ये पैर जहां तक आपका टिके वहां तक टिक दीजिए, बस गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी। अब दूसरे पैर से आराम आराम से, कोई भी आसन झटके से ना करें, बिल्कुल आराम आराम से करें। और सीखे बेंची से कि 67 उम्र है, उसमें भी कैसे कैसे आसन करके हमें दिखानी है बेंची। इस सर्वाइकल के लिए और कमर दर्द के लिए ही मत्स्य आसन कहते हैं इसको। अगर कितने आसन करके बता रहे हैं बेंची हमें, बोली इतने आसन में रोजाना करते हो तो मौका बीमार है ही नहीं। ठीक, बीमार पहले, पर देख वीडियो देख देख के योगा कर रहे हैं बीमारी के अनुसार। ये कहते कि योगा तो मैं पहले कर रही थी, पर बीमारी के अनुसार जो आसन होते हैं वही बीमारी को दूर करेंगे। तो आप भी नोट कर लीजिए, आप हो सकते हैं अच्छे योगाचार्य भी हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में योगाचार्य मिलेंगे आपको सिखा रहे हैं, पर मैं कहता हूँ कि मेरे जो पैकेज हैं वो बीमारी के अनुसार मिलेंगे, आप वही कीजिए। अगर आप बिल्कुल समस्त हैं तो मेरे सारे वीडियो आप कर सकते हैं, मोटापा कम करने वाले कर सकते हैं, ये बेंजी करते भुजंगासन। अगर ये करने से कमर में दर्द बढ़ता है तो मत कीजिए, इस पर विशेष ध्यान देंगे भुजंगासन पे। इसको करने से कमर में दर्द बढ़े तो इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा कर लीजिए। अच्छा आसन है ये भुजंगासन, ये सदावासन का एक भाग है। एक एक पैर को उठाएंगे, देखो कितने आसन याद हैं इस उम्र में। तो आप योगा कीजिए, मैं आपके साथ हूं। मैंने कहा है कि मेरा जो चैनल है वो योगा सिखाने के लिए है। ये मार्जरी पोज, अब श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास खाली करने करेंगे गर्दन नीचे। बहुत बढ़िया बहन जी, स्पाइन को मजबूत करता है अभ्यास, इसको हम शशकासन में बोल सकते हैं। बहुत अच्छा, ये देखो उष्ट्रासन में करके दिखा रही बहन जी, उष्ट्रासन इस उम्र में। रिलैक्स और करोगे बहन जी, चलो खड़ी हो जाइए। एक भी बातें और बता रही आपको, आसन करने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करें अपनी बॉडी को। स्पाइन रिलैक्स हो जाएगी, अब बाएं करोड़ लेके आप खड़े हो जाएंगे। वैसे सीखिए इनसे, आप भी एक अच्छे योगी बन सकते हैं, आप भी योगा सिखा सकते हैं। पहले अपने आप को ठीक कीजिए। बहन जी के लिए मैं ताली बजाता हूँ, बहन जी ने बहुत अच्छा योगा अभ्यास करके बताया है। शुक्रिया। हाँ, और जो योगा सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आइए और बहन जी से कुछ सीखिए। मंजू शर्मा है बिरानी से, अच्छी योगाचार्य है, और आज से इन्होंने निर्णय लिया है कि मैं भी आपकी तरह योग शिविर लगाऊंगी और लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करूंगी। तो इनके लिए इनका धन्यवाद है। बहुत नमस्कार सर, आपसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, बहुत अच्छा। ठीक है, धन्यवाद, लगे रहिए आपके साथ, जब भी जरूरत पड़े तो फोन करके पूछ लीजिए। आप भी फोन करके पूछ लीजिए, धन्यवाद। कोई भी कोई कठिनाई आए तो फोन करके पूछ लीजिए। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा एक परिवार है योगाचार्य भजन चैनल का, उसका आप हिस्सा बनिए जैसे बहन जी बनी है आज। जय हिंद, जय भारत।